प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो को हरी झंडी दिखा दी है। पहली ड्राइवरलेस मेट्रो दिल्ली के मजेंटा लाइन रूट पर जनकपुरी वेस्ट से बोटानिकल गार्डन के बीच चलेगी। दिल्ली मेट्रो का तरक्की की ओर ये एक ऐतिहासिक कदम होगा। दिल्ली मेट्रो में हर रोज 25 से 30 लाख लोग रोज यात्रा करते हैं और मेट्रो दिल्ली NCR के बहुत बड़े हिस्से को आपस में जोड़ती है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम का कहना है कि चालक रहित मेट्रो ट्रेनें पूरी तरह से ऑटोमेटिक होंगी, जिनमें मानवीय हस्तक्षेप की न्यूनतम जरूरत होगी। इससे मानवीय गलतियों के चलते परिचालन प्रभावित होने की आशंका पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। लेकिन बिना ड्राइवर के आखिर मेट्रो कैसे चलेगी? दरअसल ये ट्रेनें मेट्रो भवन में बने केंद्रीय कंट्रोल रूम से कमांड देकर संचालित की जाएंगी। मौजूदा समय में इस कॉरिडोर पर 5 मिनट 12 सेकंड के अंतराल पर मेट्रो का परिचालन होता है। चालक रहित मेट्रो के परिचालन का फायदा ये होगा कि यात्रियों का दबाव बढ़ने पर महज 90 सेकंड के अंतराल पर मेट्रो का परिचालन हो सकेगा। ड्राइवरलेस मेट्रो के चलने से मेट्रो की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, जिससे यात्रियों को कम भीड़ मिलेगी। इसी के साथ ही मेट्रो की आय भी बढ़ सकेगी। लेकिन कभी आपने सोचा है कि आखिर दिल्ली मेट्रो के रूट के नाम रंगों के आधार पर क्यों? दिल्ली मेट्रो के कलर कोड की कहानी बताने से पहले दिल्ली में नहीं रहने वाले लोगों को ये बता दें कि दिल्ली में मेट्रो के अलग अलग रूट के नाम कलर के नाम पर रखे गए। इसमें पिंक, रेड, ग्रीन, ब्लू शामिल है। यहाँ हर विशेष रूट को रंगों के आधार पर बांटा गया है। तो आइए जानते हैं आखिर इसके पीछे की क्या कहानी है। दरअसल दिल्ली में दिल्ली मेट्रो रिठाला शहीद स्टार लाइन के लिए लाल रंग, हुड्डा सिटी सेंटर समयपुर बादली के लिए पीला, द्वारका सेक्टर 21 वैशाली नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी के लिए नीला और इंद्रलोक कीर्तिनगर बहादुरगढ़ के लिए हरा, कश्मीरी गेट बल्लभगढ़ के लिए वॉयलेट, मजलिस पार्क शिव विहार के लिए गुलाबी, जनकपुरी पश्चिम बोटैनिकल गार्डन के लिए मजेंटा, द्वारका नजफगढ़ के लिए ग्रे और एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के लिए नारंगी रंग का कोड रखा गया है। वहीं आने वाले बाकी प्रोजेक्ट्स में सिल्वर का नाम भी शामिल है। आपको बता दें, रंगों पर रूट के नाम इसलिए रखे गए हैं ताकि सभी में अंतर किया जा सके। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर रंगों से ही क्यों विभाजित किया गया। इसका कारण ये है कि दिल्ली मेट्रो हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। ऐसे में जो व्यक्ति पढ़ नहीं सकते उन्हें भी रूट समझने में आसानी होती है। हर लाइन को अलग रंग से पहचान दी गई, जिससे यात्री अपनी लाइनों को आसानी से याद रख सकें। अभी तक इंद्रधनुष के रंगों पर मेट्रो के नाम रख दिए गए। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।